कन्नड़ सुपरस्टार यश की मूवी केजीएफ को लोग बहुत लाइक कर रहे हैं और फैंस को इस मूवी की स्टोरी बहुत अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि केजीएफ नाम की सच में एक जगह है जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है? जी हाँ दोस्तों, इस जगह का पूरा नाम है कोलर गोल्ड फील्ड्स। ये भारत की सबसे पुरानी सोने की खान है। यह कर्नाटक के बैंगलोर शहर से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है। एक समय में यह भारत को सबसे ज्यादा सोना देने वाली खदान थी और ये इंडियाज मोस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग प्लेसेस में से एक है। और ये वही जगह है जहां पर माइनिंग करके भारी मात्रा में सोना निकाला जाता था। इतिहासकारों की माने तो यहां से खुदाई करके लगभग 800 टन सोने का उत्पादन किया जा चुका है और ये गोल्ड साल 1880 से 2001 के बीच में निकाला गया है। इस खदान के बारे में कहा जाता है कि यह भारत की सबसे पुरानी खदानों में से एक है। यहां एक समय था जब लगभग 10,000 लोग काम किया करते थे, लेकिन अब यह जगह वीरान पड़ी है। कहा यह भी जाता है कि जब बहुत पहले यहां ब्रिटिशर्स का रूल था तब इसे मिनी इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि यहां का मौसम इंग्लैंड से काफी मिलता जुलता था। अभी भी यहां का विदर ठंडा रहता है। केजीएफ दुनिया की सबसे गहरी खदानों में से एक है। यहां 1980 और 1990 के दशकों में धरती की सतह से 3 किलोमीटर गहरी खुदाई की गई थी। दक्षिण अफ्रीका की कुछ ही खदान ऐसी हैं जो इससे ज्यादा गहरी हो सकती हैं। यह कर्नाटक राज्य के कोलर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर रॉबर्ट सोनपेट में है। यहाँ इसी नाम से एक बस्ती भी है जहाँ BGML यानी कि भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड और BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के एम्प्लॉयज की फैमिलीज रहती हैं। चलिए अब आपको बता देते हैं कि यश ने जो कैरेक्टर मूवी में निभाया है वो रियलिटी में है भी या फिर नहीं। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म कुख्यात अपराधी थंगम से इन्फ्लुएंस्ड हो सकती है। उस टाइम थंगम को कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन के बाद सेकंड रैंक पर माना जाता था, इसलिए उन्हें वीरप्पन जूनियर के नाम से भी जाना जाता था। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार गोली मारने से पहले उनके नाम पर 42 अपराध थे। जैसे रॉकी ने कोलर गोल्ड फील्ड्स में उतरने के बाद लोकल लोगों का सपोर्ट पाया, वैसे थंगम ने भी लोकल लोगों का बड़े पैमाने पर सपोर्ट पाया था। स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें रॉबिनहुड माना जाता था। थंगम को 1997 में एक पुलिस मुठभेड़ में गोली मार दी गई थी। तो शायद हो सकता है कि KGF चैप्टर 2 में यश के साथ भी कुछ ऐसा ही हो। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।